रे ऑप्टिक्स मिरर फॉर्मूले में। मिरर का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है कि मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप देख सक रहे हो, 1/f = 1/v + 1/u। और इसको यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि कैसे इसको कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्रूफ किया जाता है। तो पहले सबसे पहले इसको कॉनकेव मिरर के लिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, फॉर अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला सबसे पहले प्रूव करने जा रहे हैं। मान लिया इसमें एक कॉनकेव मिरर जैसे आप ले लो, मैं डायग्राम पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए ताकि उसे समझने में हमारे लिए थोड़ा आसानी हो जाए। ठीक है, कॉनकेव मिरर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो एक रे तो आपकी आएगी इसके डायरेक्ट, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है। एक रे मैंने जैसे यहाँ दो रे को मैंने लिया है, पहला रे नंबर वन जो है आपका वो ये है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये रे नंबर वन ये है, आप देख सकते हो यहाँ से इस तरह से आई हुई रे है, और रे नंबर टू जो है वो डायरेक्टली नॉर्मली इंसिडेंट होती है मिरर पे और इसी पाथ को रिट्रेस्ड कर लेती है। जिस पॉइंट पे ये ज्वाइन कर रहा है वहां पे इसकी इमेज बनेगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये ज्वाइन कर रहा है तो इस पॉइंट पे इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ऑब्जेक्ट को आप लिख दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट जो है इसको आप नेमिंग दे दो ए बी, तो ए बी इस तरह से नेमिंग कर देते हैं, इसके हेड को ए से और बैक पार्ट को बी से, तो ये ए बी, और इसके भी नेमिंग कर देता हूं मैं ए डैश बी डैश, इस तरह से नेमिंग कर दिया हमने, तो ये पूरा का पूरा एक मिरर बन गया हमारे लिए और यहीं से हमें मिरर फॉर्मूला प्रूव करना होगा। तो अब देखो बड़ा ही आसान होगा, यहाँ पे कुछ चीजों को हमें देखना है, पहले एक कुछ कंस्ट्रक्शन भी हमें यहाँ पे करना है, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या देखना होगा आपको बता देता हूं मैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे इस जगह पे, इधर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, जी हाँ, इससे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो प्रिंसिपल एक्सिस पे, इस तरह से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहाँ पे ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री ये बन गया। अब ये जो परपेंडिकुलर है, जैसे ए से रे आ रही है, मान लो मिरर के एम पोर्शन पे इंसिडेंट होती है रे, ये जो रे है मिरर के एम पोर्शन पे इंसिडेंट हो रही है, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है फोकस के से होती हुई, और ये जो नॉर्मल आपने डाला है इसको आप एन रिप्रेजेंट कर दो, एन फॉर नॉर्मल, तो एन से रिप्रेजेंट कर दो, और आप एम एन को देखोगे, ये जो एम एन आपने ड्रॉ किया है, एम एन ये किसके इक्वल दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये ऑब्वियस ही बात है ये ए बी के इक्वल दिख रहा है, तो एम एन इक्वल टू आप ए बी यहाँ पे मेंशन कर दो, एम एन इक्वल टू ए बी, ठीक है। और अब आप इसमें जो कंस्ट्रक्शन बन रहा है इसमें आपको देखना क्या है, देखो आप दो ट्रायंगल आप कंसीडर कर सकते हो, एक ट्रायंगल आपके पास एम एन एफ और दूसरा ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, दो ट्रायंगल है यहाँ पे एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ, तो चलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल, छोटे से मैं यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा दोनों ही चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया जाए, ठीक है, एम एन, तो ट्रायंगल एम एन एफ
ये ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ये ट्राइंगल आप जो देख रहे हो यहाँ पे, ये ट्राइंगल और ये वाला एम एन एफ, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा ए डैश बी डैश एफ के, मतलब ये वाला ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल के आपके सिमिलर होगा, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। मैं बता रहा हूँ ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होगा, क्योंकि देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, मतलब एम एन परपेंडिकुलर, एम एन और ए बी ये दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है यहाँ पे, दोनों दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है यहाँ पे, जैसे एम एफ एन ये वाला एंगल और ए डैश एफ बी डैश ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैं यहाँ पे इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ जाना चाहिए। तो हमें यहाँ पे सिर्फ दिखाना है कि भाई ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर है, तो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस, ये दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू, दैट मीन्स एम एन एफ इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश एफ, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। और जब पैरेलल दोनों सिमिलर होते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, जी हाँ, उसकी रेशियो, साइड की रेशियो सेम हो जाती है। तो साइड की रेशियो मतलब आप देखो ये वाली जो साइड है एम एन, तो यहाँ पे आप लिखो एम एन, ये जो साइड है ये इसकी और ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है। और दूसरी वाली जो आप इसके बेस वाले देख सकते हो यहाँ पे, तो बेस वाला आपको टेन थीटा से याद रखना है, टेन थीटा में आपको परपेंडिकुलर और बेस यही चीजों को देखना पड़ता है। तो ये परपेंडिकुलर था और ये बेस, तो बेस है आपका एन एफ, तो एन एफ जो है ये आपका ये और एफ बी डैश ये दोनों ही यहाँ पे इसकी रेशियो भी दोनों की इक्वल होगी। तो इस तरह से ये दो ट्राइंगल के बारे में आप यहाँ डिसाइड कर सकते हो। उसकी ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी आपको देखना होगा, नेक्स्ट में देखोगे आप, जैसे ए डैश ए बी और यहाँ पे मैं सी मान लेता हूँ, देखिए ये सी दैट मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और कोई भी लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो इसका मतलब ही है कि वो इस सरफेस पे, मिरर के सरफेस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है और वो वापस भी उसी पाथ पे जाएगी। तो इस केस में यहाँ पे हमारा ये ट्राइंगल जो है ए बी सी और ये वाला ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी ये दोनों यहाँ पे सिमिलर होंगे। तो इसको मैं दूसरी तरफ मैं दिखा देता हूँ आपको कि दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उस ट्राइंगल को भी दिखा देता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी ये सिमिलर होंगे आपके ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के, ए डैश बी डैश सी के। और जब ये दोनों यहाँ पे फिर से सिमिलर आपको दिख रहा है तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी भी जो ए बी की जो हाइट है, ए बी ऑब्जेक्ट की हाइट और ये जो ए डैश बी डैश इमेज की हाइट की रेशियो जो है ए डैश बी डैश, और इसका बेस देखोगे आप बी सी, तो बी सी अपॉन में इसकी जो बेस होगी बी डैश सी, इसकी रेशियो क्या होगी, वो सेम होगी। अब आपने यहाँ पे क्या किया है, दो रेशियो को यहाँ पे दिखाया है एक दो अलग अलग ट्राइंगल के लिए, तो इस रेशियो को समझने की कोशिश करेंगे। देखो आप यहाँ पे ए बी लिखा है आपने, ध्यान से देखना ये ए बी किसके इक्वल है, ये ए बी एम एन के इक्वल है। शुरू में ही आपने अपने कंस्ट्रक्शन में दिखा रहा है कि ए बी एम एन के इक्वल है, तो ये जो एम एन आपने यहाँ पे लिखा है इसमें क्या इसकी जगह पर आप ए बी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप एम एन की जगह पर आप ए बी लिख दो, तो ए बी बाय ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश दिस इज इक्वल टू एन एफ बाय एफ बी डैश, एफ बी डैश, ठीक है। अब ये दो आपके पास देखो, इसमें आपको दोनों ही तरफ एक चीज आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, बेनिफिट ये मिल रहा है इसका एल एच एस, ये जो बॉक्स में मैं कर रहा हूँ इसका एल एच एस साइड, मतलब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और दूसरा जो आपने रेशियो निकाला है ट्राइंगल के उसका भी एल एच एस साइड ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये दोनों ही सेम है ना। और अगर ये दोनों सेम है तो आपको क्या करना है, इसका मतलब है कि इसका आर एच एस भी इक्वल रहा होगा। तो आर एच एस इक्वल कहने का मतलब है कि फ्रॉम वन एंड टू, अगर इसको वन मान लू मैं और इसको टू मान लू, तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू बी सी बाय
बी डैश सी, दिस इज इक्वल टू एन एफ बाय एफ बी डैश ये आ जाता है। अब हमारे पास ये मेजर पार्ट रह गया हमारे पास। देखिए यहाँ पे डायग्राम का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि अभी हमें निगेटिव और पॉजिटिव चीजों को समझना है कि निगेटिव क्या होता है और पॉजिटिव क्या होगा। तो एक चीज यहाँ पे मैं आपको और भी चीजें डिस्कस करके बताता जाऊंगा, आपको समझना है। यहाँ पे मैं अपनी कन्वीनियंट के बेसिस पे जहां तक समझता हूँ कि देखो, अगर ये पोल है आपका, ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे ये पोल है, समझना बात को, ये पोल है, तो पोल के पास की जो बात है, यहां से पोल से इस तरफ, पोल से लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में, ठीक है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लो। नेगेटिव और पॉजिटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी गलत नहीं होगा। फिर आपका पोल से लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में जितनी भी चीजें आप कंसीडर करोगे, सबको आप नेगेटिव लोगे, ठीक है। इसमें जितनी भी चीजें आएंगी वो सबको क्या लोगे, नेगेटिव। और पोल से राइट साइड की डायरेक्शन में, इस तरफ जितनी भी चीजें आप, अगर कुछ ऑब्जेक्ट आ गया, इमेज आ गया, ऑब्जेक्ट तो कभी भी आएगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा आपको क्या लेना है, इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेना है, मतलब इसके फ्रंट में लेना है, मतलब निगेटिव में ही आएगा, है ना। मिरर के फ्रंट में लोगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव आएगा। और यहाँ पे जब आप इधर देखोगे तो ऑब्वियसली बात है, इमेज बन सकती है इधर, फोकस हो सकता है इधर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकता है इधर। तो पोल से अगर दूसरी साइड अगर आप देखते हो तो इस तरफ आप पॉजिटिव ले सकते हो हमेशा। बस इस चीज का ध्यान रखना है आपको, आपको डायग्राम तो पता ही है कैसे कैसे ड्रॉ होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। तो आपको पोल से लेफ्ट साइड नेगेटिव और पोल से राइट साइड पॉजिटिव लेना है, ठीक है, इतनी सी बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पे मैं सबके नेगेटिव और पॉजिटिव की बात हो गई, तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह से यू क्या होगा, वी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करो आप, इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट को यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो इसको यू लिखोगे, लेकिन यू निगेटिव में होगा, है ना, यू निगेटिव में होगा, बिल्कुल यू निगेटिव में होगा। तो इसको मैं यहाँ पे यू लिख देता हूँ, ये यू हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखो आप, इमेज इस जगह पे है, तो इमेज की रिप्रेजेंटेशन को किससे करोगे, तो चलिए इमेज के लिए एक अलग कलर ढूंढ लेते हैं, ताकि हमारे लिए थोड़ा बड़ा आसान हो सब चीजों को देख पाना, है ना, आराम से देखेंगे कहाँ पे क्या चीजें हैं। तो इमेज के लिए ये वाला सिलेक्ट कर लिया, तो इमेज के लिए ये इमेज है आपकी इस जगह पे, तो इमेज को किससे रिप्रेजेंट करना है, वी से रिप्रेजेंट करना है, तो ये इमेज के लिए हो गया, और इसको वी से आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सबकी डिस्टेंस कहां से कंसीडर की जाएगी, जी हाँ, पोल से, तो सबकी डिस्टेंस यहां पे पोल से कंसीडर की जाएगी। फोकल लेंथ आपको तो दिख ही रहा है कि फोकल लेंथ कहां पे है, ठीक है ना, तो फोकल लेंथ आपको पता है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी पता है। तो ये मतलब सारी चीजें अगर बोली जाए तो सारी चीजें यहाँ पे क्या होगी, निगेटिव ही होगी, पॉजिटिव तो नहीं होगा। तो चलिए अब अगर निगेटिव है तो उसको आप मेंशन करो यहाँ पे, लिखो। देखो यहाँ पे जैसे एक एक करके मैं पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, ताकि हमारे पास सब कुछ आसान हो जाए। देखिए पहला बी सी को कैसे मेजर किया जाएगा, तो पोल से मेजर करोगे आप। देखो बी सी को क्या लिखोगे, बी सी इक्वल टू लिखोगे आप, पोल से मेजर करना है, मतलब पी से लेके जो डिस्टेंस है, देखना आप पी से जो डिस्टेंस है इसकी बी तक की, इस पी बी में आप पी सी को माइनस कर दो, बात समझ में आ रही है, तभी तो आपके पास ये डिस्टेंस बचेगा ना बी सी का, पी बी में पी से बी तक के डिस्टेंस में पी सी को माइनस करोगे, तभी तो आपके पास सी बी का डिस्टेंस या बी सी का डिस्टेंस बचेगा। तो बस ये काम कर दो यहाँ पे आप, ठीक है, और ये काम कर दोगे तो हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे आप माइनस करो, बी सी इक्वल टू आप लिखो यहाँ पे, बी सी इक्वल टू
BC इक्वल टू PB माइनस PC। और PB को आप क्या बता रहे हो? PB को तो आपने बोला U, यहां पे देखो आपने लिखा है। PB को क्या बता रहे हो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो PB के लिए आपने क्या लिखा? U। ये किस में? माइनस में। और PC, देखो P से C तक का डिस्टेंस, P से C तक का डिस्टेंस ये क्या होगा? ये तो आपका ऑब्वियस ही बात है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को बतलाता है, मतलब R को बतलाता है। R मतलब क्या हो गया? 2F। रिलेशन तो हमने पढ़ा ही था, R इक्वल टू 2F हो गया। तो 2F मतलब आप ये डायरेक्ट कह सकते हो कि माइनस में माइनस 2F हो जाएगा, क्योंकि 2F लेफ्ट साइड में है, तो माइनस में 2F हो जाएगा। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस 2F। काम पूरा कंप्लीट करते चला जाऊंगा यहाँ पे। तो इसका मतलब हो गया, ये हमारे पास कितना आ गया? माइनस यू प्लस 2F, राइट? तो इस जगह पे आप लिखो माइनस यू, बीसी की जगह पे लिखोगे माइनस यू प्लस 2F। बीसी का काम हो गया। आप बी डैस सी को देखना जरा। देखो बी डैस सी मतलब ये डिस्टेंस चाहिए आपको। बी डैस सी में आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, बी डैस सी में क्या करना पड़ेगा? तो पहले इसको मैं क्लीन करता हूँ, यहीं पे एक एक करके सबके बारे में बताता चला जाऊंगा। ठीक है, इसको मैं पहले क्लीन कर लेता हूं। यहां पे मैंने लिख दिया माइनस यू, देखना माइनस यू यही आया था ना, प्लस 2F। अब दूसरा बी डैश सी मतलब बी डैश सी में आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो ले रहे हो आर, आर में पी बी डैश को माइनस करोगे, मतलब आर माइनस यू करोगे तभी तो आएगा। और आर कितना है? आर तो 2F है, तो 2F मतलब माइनस में लेना पड़ेगा ये भी। तो माइनस 2F और माइनस यू, ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा। देखो यहां से यहां तक का माइनस 2F है, और माइनस 2F में आपको यहां पे ये करना पड़ेगा माइनस माइनस यू, ये भी माइनस में लेना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया कि ये यहां पे आ जाएगा माइनस 2F प्लस यू, ये आ जाएगा। अब देखो एन एफ, एन से लेके एफ तक की डिस्टेंस की बात की जा रही है। एन एक्चुअल में एन जो है वो पी के काफी क्लोज होता है, इसलिए ये जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस क्या होगी? वो फोकस के लगभग इक्वल होगी। तो एन एफ इक्वल टू आप यहां पे लिख सकते हो, एन एफ इक्वल टू एन एफ जो दिया हुआ है उसको माइनस एफ लिख सकते हो। तो यहां पे डायरेक्ट आप लिखो माइनस एफ, कोई दिक्कत नहीं है। एफ बी डैश, अब एक ये सिर्फ पार्ट रह गया एफ बी डैश। तो एफ बी डैश को आप कैसे लिख सकते हो? यहां पे मैं लिख के दिखाता हूं। एफ बी डैश इक्वल टू हो जाएगा पी बी डैश ठीक है माइनस पी एफ। और पी बी डैश जो है पी बी डैश, ये तो इमेज की डिस्टेंस है, तो माइनस वी माइनस माइनस एफ, तो माइनस वी प्लस एफ हो गया, माइनस वी प्लस एफ। अब ये सारा हो गया, अब हमारे पास सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है, तो कैलकुलेशन के पार्ट को देखेंगे हम। ठीक है, तो देखिए अब कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान है, क्योंकि कैलकुलेशन मेन फिगर था उसको आप समझ चुके हो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो इसको आप लिखो स्टेप वाइज करना, जल्दबाजी नहीं करेंगे ताकि गलती ना हो हमारे पास। माइनस यू प्लस 2F, इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी आपकी माइनस वी प्लस एफ के साथ। ठीक है, और यहां पे माइनस एफ जो है ये वाला, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके डिनोमिनेटर से माइनस 2F प्लस यू, ये मल्टीप्लीकेशन का पार्ट आप यहां से स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब आपके लिए मल्टीप्लीकेशन का काम हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सही काम कहां तक जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करो माइनस यू इंटू माइनस वी, तो प्लस यू वी प्लस यू इंटू वी हो गया। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपका माइनस 2F प्लस वी होगा। यहां पे थोड़ा सा जो करेक्शन था ये देख लेंगे, क्योंकि इमेज को लिया था हमने, तो माइनस 2F प्लस वी बिल्कुल सही है यहां पे। अब तो माइनस 2F
प्लस वी, देख लेंगे, ये करेक्शन का पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इमेज है, ठीक है। और वो लास्ट में कैलकुलेशन से अपने आप फाइंड आउट भी हो जाएगा, आप करोगे तो, कि कहाँ पे आपकी अगर कुछ मिस्टेक रही होगी, क्योंकि फार्मूला आपके नॉलेज में है। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस टू ये हो गया प्लस यू वी, ठीक है, माइनस यू एफ, ठीक है, माइनस यू एफ, और माइनस इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस टू वी एफ और प्लस टू एफ स्क्वायर, ठीक है, ये टू एफ स्क्वायर हो गया। इसके बाद आप देखो इसका, इसके लिए भी प्लस टू एफ स्क्वायर हो गया, तो प्लस टू एफ स्क्वायर कर दिया आपने, ठीक है। और भी मेथड है इसको प्रूफ करने के, लेकिन अभी मैं ये मेथड लेके चल रहा हूँ, दूसरे मेथड को भी बताऊंगा मैं। और माइनस वी एफ ये हो गया, इसमें जो चीज कैंसिल हो रही है वो देखो, टू एफ स्क्वायर और टू एफ स्क्वायर ये तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब आपके पास बच रहा है ये टू वी एफ है और ये माइनस में है, अगर टू वी एफ माइनस वाला इधर चला आता है तो प्लस टू वी एफ हो जाएगा, टू वी एफ इक्वल के अगर आप दूसरी तरफ लेके जाओगे और ये माइनस वी एफ कर दो इसको ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके एल एच एस साइड में यू वी माइनस यू एफ इतना सही बच रहा है। अगले स्टेप पे काम करते हैं, अगले स्टेप में आपके पास यू वी माइनस यू एफ और इक्वल टू, अब ये कितना रह रहा है आपके पास, ये वी एफ माइनस का टू वी एफ माइनस वी एफ करोगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा वी एफ, ठीक है। अब बोथ साइड डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी एफ, यहां पे मैं लिख रहा हूं डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी एफ। अब देखो यू वी एफ से करोगे तो यहां पे यू वी तो है ही, वो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपके पास वन बाय एफ माइनस यू और एफ है तो बच जाएगा वन बाय वी, और यहां पे वी और एफ है तो बच जाएगा वन बाय यू। तो वन बाय एफ इक्वल टू कितना हो गया, वन बाय वी प्लस वन बाय यू, ये मिरर फॉर्मूला हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। अब आपको जो पेपर में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है अगर, तो किसी भी वहां पे आपको ये नहीं बोला जाता कि आप कॉनकेव के लिए प्रूफ करो या कॉन्वेक्स के लिए प्रूफ करो, सिर्फ मिरर फॉर्मूला बोला जाएगा, जो कि आप अब आराम से प्रूफ कर सकते हो।